नमस्कार सभी भाइयों से, आप देख रहे हैं अपना चैनल डेयरी फार्मिंग विनोद गिरी और मैं विनोद गिरी आज पहुंचा हूं ये पारसी के बाज़ार में देखेगा भीड़ कितनी है। अच्छी खासी भीड़ है, क्योंकि अभी हम पैसों की तरफ वीडियो कवर कर रहे हैं और घूम के कुछ रेटों की जानकारी करेंगे। सभी भाई वीडियो को पूरी देखें, वीडियो के बीच में मंडी मालिकों के नंबर मिलेंगे जिनसे आप कोई भी जानकारी कर सकते हैं। एक भाई सामने मिनी भैंस ले रहा है, भैंस नीचे से बड़ी अच्छी भैंस है, अच्छा डट है, ठंड भी साफ सुथरा लगा हुआ है। बस लिया भैया हिला, इसका सींग हिला, सींग नहीं हिलते, मिनी भैंस है, सींग भी अच्छा लंबा है। बच्चा कहाँ है इसका? ये सामने इसका बच्चा खड़ा है। अभी बात करते हैं कीमत और दूध की। पकड़ो, क्या नाम है भैया? कहाँ के रहने वाले? और ये जो मिनी भैंस है तुम्हारी, कितने दिन की बेबी हो रही है? 20 दिन की। 20 दिन की। बच्चा क्या है नीचे? पलटा। और कौन से ब्यांत में, कौन सी बार बियाई हुई है? तो पूछ सके थे ना। तीसरे बियाई है। अच्छा, और जब 20 दिन की बियाई दूध तैयार हो रहा होगा, कितना दूध है इसमें? 14 किलो। कहने का या है? निकालने का ही है। कभी बाजार में ऐसे कह रहे हो? खरीदने वाले थोड़ा ही हो। अच्छा, 14 किलो पक्का दूध है जी, और वो भी 3 थनों का, तो फिर तो 14 से भी फल तो हो गया। अच्छा, क्या कीमत मांग रहे भैया इसकी? कीमत इसका 85,000। 85,000 ये मांगने के या देने के? मांगने के देने के और बता दे, हमें तो देने वाले बता दे। और 1,000 घट जाएंगे, मतलब 80,000 की भी दे जाएगा। सौदा 5,000 का सौदा रखा है भाई, 1,000 कह रहा है, लेकिन 5,000 रुपये घट जाएगा। ये सामने भैंस कटी है बेरोड वालों की। जय भाई, हर बार बाजार में मिलते हैं अच्छे साइज की भैंस ले रहे हैं। तो ये रात की भी आई हुई भैंस है, और भैंस का अड्डा बहुत अच्छा है, सिर सिंगार से भी ठीक है। अब ये भैंस दिखा के उनसे बात करते हैं, हमेशा बैठ के ही बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई, क्या हाल है, ठीक हो? हाँ जी, बढ़िया। देखिए, एक बार अपने बारे में बता दो, अपना नाम बता। मेरा नाम मोहम्मद जुनूस है, रहने वाला बिजरोल का हूँ। देखिएगा, ये भाई हमें हर बाजार में मिलते हैं, आपने वीडियो भी बहुत देखी होंगी इनकी। ये जो सामने पट्टा लगा हुआ है भैंस, कौन से ब्यांत में, कौन सी बार भी आई है? तीसरे भी आई है। और कद भी आई? रात भी आई है। कितना दूध निकाल देगी? 19 लीटर निकाल देगी। और क्या कीमत मांग रहे हो? क्या कीमत मांग? 1,15। और देने के? 1,10 की दे दोगे तो। और ये जो तुम्हारी बीच वाली भैंस है, ये वाली बोल 65,000 है। ये 65,000 है। ये कितने दिन की ब्याई हो रही? परसों की ब्याई। ये 3 दिन की ब्याई हुई है। ये कितना दूध दे देगी? ये दूध दे देगी 12 किलो। 12 किलो। और तीसरी वाली, वो इसमें 12 किलो तैयार है। 12 किलो तैयार है। 12 किलो तैयार वाली की और कीमत बता दो। 80,000। इसके 80,000 रुपये है। तो 80 में होंगे कुछ कम? कम कर देंगे। और हो जाएंगे कम? कितने कम कर दोगे? 2,000 कम कर दो। 2,000 में 5 भी हो जाएंगे जब सौदा बाजी होगा। देखिएगा, बाजार में सौदा बाजी होगा, कम बढ़ती हो ही जाते हैं। पारसी के बाजार में अच्छी अच्छी अड्डा वाली भैंसे खड़ी हैं। दिखा देते हैं। अरे पीछे भी तो घड़े वीआईपी लग रहे हैं, पीछे कुछ भी अड्डा वाली है। इसका बच्चा कहाँ बन रहा भैया? इसका बच्चा देखेगा, इसका बच्चा है। कितने दिन की ब्याई हो रही है? 12 दिन की। क्या नाम है भैया? कहाँ के रहने वाले? जिमानी। जिमानी, ये जो तुम्हारी भैंस है, दिखाई है, कौन सी बार ब्याई हुई, कौन से ब्यांत में? और कितने दिन की ब्याई हो रही है आज? 12-13 दिन की। और क्या कीमत मांग रहे भैया? 85,000। और देने के? 1,500 कम। 1,500 मतलब 80 के दे जाओगे। अच्छा, कितनी भैंस ला रखी है बाजार में?
और कौन सी है एक बार आज देखिएगा, ये जो सामने बैस खड़ी है इसी भाई की जिमाने वाले की, नीचे से अड्ड से ये भी अभी अच्छी है, ठुका हुआ अड्ड है। इसकी क्या कीमत मांग रहे भैया? 92,000। और इसमें भी कुछ कम ना हो? 1,500। मतलब 5,000 का तो सौदा हो ही रहा। और ये तीसरी इसमें तो जड़वाड़ है ही ना, ये ब्याह होगी, ये क्या बन है? अरे कोई कौन सी बार ब्याह होगी, कौन से ब्यांत में? दूसरी बार, चार दांत। ये मुंह से चार दांत है, सिर सिंगार भी बिल्कुल गोल है, सिर सिंगार भी बिल्कुल गोल है झोटी का। तो ये तुम्हारे पास ही थी, मोल के लाए थे। तो मालिक ने कितना दूध बताया, कितना निकाला पहलवान ने? अब क्या कुछ बढ़ जाएगी, कुछ तेरे ज्यादा कर देगी। इसकी क्या कीमत मांग रहे हैं? इसके 92,000। इसके भी इसमें कितना सौदा बताया? 2,000 का, 4-5,000 रुपए का सौदाबाजी हो जाएगी पारसी के बाजार में। अच्छी सलीम देखेगा, पारसी के बाजार भरपूर भरा हुआ है। करिया के थोड़ी सी एक सामने आई ले खड़ा है, अच्छा अड्डा वाली भैंस है, खुली हुई बच्चे पे चला रहे हैं, अच्छा अड्डा लगा हुआ है, सिर सिंगार भी छोटा सिंगार है। अभी इसकी कीमत की जानकारी करते हैं, कौन सा बताओ? क्या नाम है भैया? पकड़ ले, क्या नाम है भैया? तेजमल अर्जद। अर्जद कहाँ का रहने वाला? ये जो ब्याह है तुम्हारी, कौन से ब्याह में? दूसरे ब्याह होगी, ब्याह भी है। और कितने दिन की ब्याह हो रही? 15-16 दिन। और कितना दूध तैयार हो रहा? 2 लीटर। और कीमत क्या मांग रहे भैया? 90,000। ये तो मांगने हो गए, देने के बताते हैं। 85 है की? पैसे ज्यादा मांग रहे कुछ? बहुत से नहीं मांग रहे हो, 85 की लास्ट कीमत है। ठीक है भैया। एक और भाई सामने भैंस लिए खड़ा है, अच्छी बड़े अड्डे वाली है, कितना कितना बढ़िया ठोस अड्डे है, बिल्कुल ठुका हुआ, और थनों से भी बिल्कुल साफ सुथरी है, थनों का भी गैप भी सही है, और सिर सिंगार से भी अच्छी भैंस है। तो भाई वैसे भी पूरे शौक से लाया है, पूरे सैंपल वैम्पल पर आगे आगे से भी थन दिखा देता हूँ, कितना साफ थन लगा हुआ है भैंस के। क्या नाम है भैया? बोरा। वाकई में बोरा ही है। तो कहाँ का रहने वाला है? दिनकरपुर के पास। कौन से जिले में? मुजफ्फरनगर जिले में। ये जो भैंस है तुम्हारी, कौन सी बार ब्याह हुई? चौथी बार ब्याह हुई। तो ये अपने घर के खरीद के लाए थे? खरीद के लाए थे भाई। इसी ब्याह में? इससे पहले हनुमानगढ़ से। कितना दूध निकाल रहे हैं? फिलहाल 14 बन रहा है। 14 बन रहा है। अच्छा, और कितना और दे देगी? कहाँ तक दे देगी? 17-18 किलो दे देगी। क्या कीमत मांग रहे हो? 96,000। तो ये देने के कुछ कम भी हो जाएंगे? 1,000-2,000 में ला। 90 तक किधर जाओगे? देखेगा भाई, ये 90,000 की भैंस को ले जाएगा, और भैंस का भैंस अच्छी भैंस ले रहा है, प्रधान है भाई, और ठीक ठाक है। एक और अच्छे बड़े अड्डे वाली भैंस है, बड़े शौक से लाया है भाई, सैंपल वैम्पल भरा के। बस भैया रख लो, बनवा। भैया क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? दाह के। जो भैंस है तुम्हारी, कौन से ब्यांत में? क्या कितने दिन की हो रही ब्याह? ब्याह ही नहीं, ब्याह होगी। अच्छा, कितने दिन रह रहे ब्याह के? 2-4 दिन। 2-4 दिन रह रहे हैं, तो अभी और जड़ थोड़ी जोर ठोक देगी। अच्छा, कितनी कीमत मांग रहे? 1,15। और देने के? 1 के दे दोगे? देखेगा भाई ने एकदम सौदा खत्म कर दिया है, 1,15 मांग के, 15,000 का अपना सौदा बताया था। और ठीक है भैया, 1 की दे देगा, बाजार है तो कुछ और कम बढ़ती भी हो जाएंगे। एक सामने और अच्छे साइज की झोटी लेके आए हैं, तो चेहरे मोरे से बहुत बढ़िया खिल रही है। ब्याह भी बना भी आई, ये भैंस भी आने वाली है, झुकी हुई है।
खनों का फासला बहुत अच्छा है। इसकी कीमत बताइए था, कितने कीमत है मांग रहे? 72,000। देखिएगा इसकी जो सामने भैंस है इसकी 72,000 कीमत बताइए और कम बढ़ती हो जाएगी। एक भाई सजा के लाए भैंस के पूरी बीआईवी देखा भैया था, बीआईवी भैंस है लेकिन अड्डड बहुत बहुत अच्छा ठुका हुआ अड्डड है, बड़े अड्डड वाली है, बिल्कुल साफ सुथरा थाना है। अजय भाई एक बार क्या नाम है भैया? कहाँ का रहने वाला? टपराना। ये जो भैंस है तुम्हारी कौन से ब्यांत में, कौन सी बार ब्याई? तीसरी ब्याई। और कब क्या दिन की हो रही है आज ब्याई? कल ब्याई रात, ये रात ही ब्याई है। अच्छा तो इसकी कितने कीमत मांग रहे हैं? 95,000। और देने के? देने की ये देने के बताए कम ना हो, 1,000-2,000 मतलब 95,000 भी हो जाएंगे। और कितनी भैंस ला रखी है बाजार में? मैंने 12 भैंस। 12 भैंस कितनी बेच दी? 7 बेच दी। और अब ये बछड़ी है? 3 बछड़ियाँ। ये जोटी भी तुम्हारी है? ये मेरी है। देखा भैंस के पीछे दिखा देता हूँ, जोटी बहुत ही बढ़िया अड्डड वाली है, थन भी बहुत मोटा है, अच्छा मोटा थन है। और बात सिंगों की करे तो बिल्कुल छोटा सिंग है। और भाई वैसे भी सजा दजा के लाए हैं। ये कब भी आई? परसों भी आई। और कितना खींच है इसमें? अब इसमें 14 किलो। तू कितना दे देंगे? 17-18 किलो। इसकी कीमत? 1,55। तो कीमत भी डबल ही बता दी? 1,55 है। कितने की देके जाएगा? यही बिकेगी। चल ठीक है भैया, देखिएगा भाई ने 1,55 कीमत बताइए। अच्छी अच्छी भैंस लाए हुए हैं और बाजार में कीमत बता देते हैं, कम बढ़ती हो जाती है। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।